नमस्कार, आज हम प्रस्तुत हैं एक नई मुद्रा के साथ, वायु मुद्रा। तो आज का हमारा विषय है, विधि समझ लें। वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी हमेशा की तरह सीधी रहे, दोनों हाथ घुटनों पर रहें और हथेलियां ऊपर आसमान की ओर रहें। अंगूठे की बगल वाली उंगली, ये उंगली तर्जनी, इसको जो पहली मुद्रा हमने बताई थी ज्ञान मुद्रा, तो ज्ञान मुद्रा में तर्जनी उंगली को अंगूठे के ऊपरी भाग से स्पर्श कराना होता है, ये तो ज्ञान मुद्रा है। जब इसी उंगली को हम अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं और ऊपर से अंगूठा रख लेते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। तो ये वायु मुद्रा है। इस प्रकार से अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर और दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लें। वज्रासन या सुखासन या पद्मासन, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, जैसा कि पहले बताया है, जो आपके लिए कंफर्ट रहे। 24 मिनट जिसमें आप बैठ सकते हों या 16 मिनट जिस आसन में आप बैठ सकते हों उस आसन को ही लगाएं। बार बार आसन ना बदलें मुद्रा के बीच में, और सुखपूर्वक जिसमें बैठ सकते हैं उसमें बैठ के और इस मुद्रा को लगाकर इस तरह से हथेलियों को घुटनों के ऊपर, थाइस के ऊपर रख लें। सावधानियां समझ लें। वायु मुद्रा करने से शरीर का दर्द तुरंत बंद हो जाता है, इसलिए अधिक लाभ की लालसा में अनावश्यक रूप से अधिक समय तक नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। वायु मुद्रा करने के बाद कुछ देर तक अनुलोम विलोम व दूसरे प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इस मुद्रा को यथासंभव वज्रासन में बैठकर करें। यदि घुटनों की समस्या की वजह से वज्रासन में बैठना संभव ना हो सके तो ही कुर्सी या अन्य किसी आसन पर बैठकर करें, अन्यथा आप जमीन पर कोई आसन बिछाकर वज्रासन में बैठकर या अपने बेड पर भी आप वज्रासन में बैठकर इसको कर सकते हैं। इसे शुरुआत में हमने आपको बताया था 24 मिनट दो बार। तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है शरीर में दर्द की, उनको इकट्ठा 24 मिनट नहीं करना चाहिए, सावधानी के तौर पर इसे समझ लें। उन्हें इस मुद्रा को 6 बार में करना चाहिए और हर बार 8-8 मिनट तक इस मुद्रा को करना चाहिए। वायु मुद्रा के लाभ वो समझ लें। अपच व गैस होने पर भोजन के तुरंत बाद वज्रासन में बैठकर 5 मिनट तक वायु मुद्रा करने से ये रोग नष्ट हो जाता है। तो जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और गैस्ट्रिक ट्रबल में भी लाभ करती है, वायु विकार को नष्ट करती है, क्योंकि इसका नाम ही है वायु मुद्रा, तो उनको भोजन के तुरंत बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठकर इस मुद्रा को अवश्य करना चाहिए। वायु मुद्रा के नियमित अभ्यास से लकवा, पैरालिसिस जिसे बोलते हैं, गठिया, साइटिका में होने वाला दर्द, गैस का दर्द, जोड़ों का दर्द, हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित जितने दर्द हैं, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, लंबर स्पॉन्डाइलाइटिस इत्यादि, इन दर्दों में चमत्कारिक रूप से लाभ होता है। जिस समय ये दर्द हो रहे हों उस समय इस मुद्रा को लगा लीजिए और आप 8 मिनट के लिए स्थिर होकर एक आसन में बैठ जाइए, फिर आप इसके आश्चर्यजनक लाभ देखिए। तो यह थी वायु मुद्रा, आप लोग करिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।